तो अब हम चैप्टर 19 पढ़ेंगे, सर्टेन फर्स्ट प्रिंसिपल्स। तो इसके आगे चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि डॉक्टर कैंप को कुछ आवाज़ आती है ग्रिफिन के रूम से, तो वो भागते भागते ऊपर जाते हैं एंड ही नॉक्स द डोर। तो ग्रिफिन जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, डॉक्टर कैंप एंटर करते हैं रूम में एंड डॉक्टर कैंप ने ग्रिफिन से पूछा कि ये नॉइस कहाँ से आ रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो ग्रिफिन ने ये मैटर को काफ़ी लाइटली लिया एंड उसने बोला कि हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक है। एंड जस्ट उसका आर्म उसको थोड़ा परेशान कर रहा था, मतलब हिज आर्म वॉज ट्रबलिंग हिम, तो उसी के कारण वो ग्लास गिर गया। तो डॉक्टर कैंप जब वो फ्रैगमेंट्स उठा रहे थे तो उसने ग्रिफिन को ये भी इन्फॉर्म किया कि इनविजिबल मैन के बारे में न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ छपा है, मतलब डिफरेंट कॉलम्स में न्यूज़पेपर में उसके बारे में छपा है एंड बट ये नहीं छपा है कि डॉक्टर कैंप के यहाँ पे इनविजिबल मैन इज़ स्टेइंग, ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर कैंप काफ़ी इंटरेस्टेड थी ये जानने के लिए कि इनविजिबिलिटी के टॉपिक में ग्रिफिन ने कैसे सोचा एंड कैसे ये सब कुछ जो उसने सोचा था वो सक्सेसफुल कैसे हुआ, मतलब जो भी पेपर वर्क में उसने किया था वो रियल लाइफ में कैसे पॉसिबल हुआ। तो ग्रिफिन स्टार्टेड हिज स्टोरी, उसने नरेट करना शुरू किया। ग्रिफिन ने ये बताया पहले कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट रहा था, बट जब वो चेसल स्टो करके एक जगह है, चेसल स्टो, वहाँ पे वो गया, तब उसने फिनोमिनन ऑफ लाइट्स के बारे में पढ़ा जो उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा एंड इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग टू हिम। और तभी उसने अपना मेडिकल लाइन से स्विच होके वो फिज़िक्स लाइन में चला गया। तो व्हेन ही वेंट टू फिज़िक्स, उसने एक फॉर्मूला डिस्कवर किया ऑफ पिगमेंट्स। उसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है एक सब्सटेंस की, जब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग लोअर कर देंगे तो इफ़ हम लोग उस पर लाइट थ्रो करेंगे वो सब्सटेंस पे, तो जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, बट इट विल जस्ट पास थ्रू इट। तो उसने फर्दर ये सब चीज़ एनिमल टिश्यू पे भी ट्राई करने की सोची एंड ही ट्राई टू डिस्कवर दैट एनिमल टिश्यू को भी वो ट्रांसपेरेंट कर भी सकता है या नहीं। तो उसने ये सब चीज़ काफ़ी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, ऑब्जेक्ट्स को इनविजिबल करने के माइंडसेट से सोची थी एंड ये सब चीज़ उसको परफॉर्म भी करना था। तो उसके बाद ये थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ, उसके बाद डॉक्टर कैंप और ग्रिफिन के बारे में कुछ और भी डिस्कशन हुआ, मतलब सम हिलेरियस टॉपिक्स, हंसी मजाक थोड़ा बहुत हुआ। उसके बाद वापस उन लोग अपना प्रीवियस टॉपिक पे कंटिन्यू कर रहे थे। तो ग्रिफिन ने फिर बोला कि व्हेन ही वाज रिसर्चिंग अबाउट इनविजिबिलिटी, तो उनका प्रोफेसर जो था, मतलब ग्रिफिन का जो प्रोफेसर था उनका नाम था मिस्टर ओलिवर, और उनके बारे में यहाँ थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि ही वाज अ साइंटिफिक डिसऑनरेबल मैन, और वो एक जर्नलिस्ट भी थे एंड ही वाज अ थीफ ऑफ आइडियाज़। थीफ ऑफ आइडियाज़ क्यों बताया गया है, मतलब बिकॉज वो किसी का भी अगर कोई चीज़ कोई भी डिस्कवर करे तो ही वांटेड टू हैव ऑल द क्रेडिट, मतलब उसको सारा क्रेडिट लेना था। तो ग्रिफिन को ये भी डर था कि जो चीज़ ग्रिफिन डिस्कवर कर रहा है शायद उसके प्रोफेसर मिस्टर ओलिवर उसे ये क्रेडिट ना छीन ले। तो ग्रिफिन ने सोचा कि ये जो भी वो डिस्कवर कर रहा है, जो भी फॉर्मूला वो डिस्कवर कर रहा है, वो टॉपिक के बारे में वो किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो इसीलिए व्हेन ही वाज कंटिन्यूइंग हिज वर्क, उसने ये बात किसी से भी शेयर नहीं की एंड उसका इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला डिस्कवर करने का ये भी रीजंस था बिकॉज ही वाज लिविंग अ वेरी बोरिंग लाइफ, और वो पॉवर्टी स्ट्रक भी था, मतलब उसके पास पैसे भी नहीं थे एंड वो एक मतलब वो टीचिंग प्रोफेशन में था, वो प्रोविंशियल कॉलेज करके है वहाँ पे पढ़ा भी रहा था एंड उसका लाइफस्टाइल उसको चेंज करना था, मतलब ही वांटेड टू लिव लाइफ स्टाइलिशली। और मनी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर रहा था जब वो डिस्कवरी कर रहा था अपना, तब उसके पास पैसे काफ़ी शॉर्टेज में थे, मतलब ही वॉज शॉर्ट ऑफ मनी। तो उसने रॉबरी करने की सोची, मतलब चोरी करने का सोचा एंड चोरी कहाँ पे करने की सोची, अपने फादर के घर पे, मतलब अपने डैड के घर पे उसने चोरी करने का सोचा एंड
जब उसने अपने डैड के घर पे चोरी की, तब हम लोग को पता चलता है कि जो मनी ग्रिफिन ने चुराया था वो उसका उसके डैड का भी नहीं था, मतलब उसके ओनर उसके डैड भी नहीं थे, उसके डैड ने वो मनी किसी और से बोरो किया था। तो इसी बात का डिप्रेशन था उनके डैड को, एंड यही डिप्रेशन की वजह से ही कमिटेड सुसाइड, मतलब उन्होंने शूट कर लिया अपने आप को एंड ही डाइड।